भारतीय जनता पार्टी टोकनधारियों किसानों को लेकर के, धान को खरीदी को लेकर के, सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को लड़ी गई। किसान भी जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, किंतु सरकार निर्णय ले नहीं पा रही थी और अंततः दबाव में आकर के निर्णय लिए। इससे किसानों की जीत हुई है और निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। यदि सरकार पहले निर्णय लेती तो जो अभी नुकसान हुआ है वो नुकसान भी नहीं होती, किंतु सरकार अनिर्णय की स्थिति में रही है। अंततः छत्तीसगढ़ के किसानों की जीत है, भाजपा की जीत है और दबाव में आकर के आखिर सरकार ने निर्णय लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में कोरोना से अभी मुक्त नहीं हुए हैं, लगातार पॉजिटिव संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है और जिस प्रकार से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई जा रही है, हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें वृद्धि हो रही है और वृद्धि होने के कारण में उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जो दूसरे प्रदेश की हालत है, वो छत्तीसगढ़ में भी अब सैकड़ा पार कर लिए हैं और ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि समुचित रूप से किट की व्यवस्था, उनकी जांच की व्यवस्था, उनकी परीक्षण की व्यवस्था और उसके साथ ही साथ में अब अस्पताल की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का समय आ गया है। थोड़े भी लापरवाही करेंगे तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है पूरे प्रदेश के लिए, आम नागरिकों के लिए चिंताजनक स्थिति है। अब इसमें बहुत चिंता के साथ में काम करने की आवश्यकता है।